आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि झारखंड की यहाँ पर वन औषधि प्रदेश बनाने की और BAU ने बढ़ाया है बहुत बड़ा कदम। चलिए देख लेते हैं। रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय BAU ने एलोवेरा विलेज की यहाँ पर स्थापना में सफलता हासिल करने के बाद देश के पहले गिलोय प्रोसेसिंग एवं रिसर्च सेंटर की स्थापना कर एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। इन सफलताओं से उत्साहित BAU प्रबंधन अब गिलोय ग्राम को विकसित करने में जुटा हुआ है। प्रदेश में यहाँ पर वनौषधि ग्राम तैयार किए जा रहे हैं और आगे की तैयारी झारखंड को यहाँ पर वनौषधि प्रदेश के रूप में विकसित करने की है। इसमें एलोवेरा और गिलोय की तर्ज पर यहाँ पर अश्वगंधा, सर्वगंधा, शतावरी और इन जैसे अन्य औषधीय पौधों की यहाँ पर वैज्ञानिक और अत्याधुनिक तकनीक से खेती और प्रसंस्करण की योजना पर काम चल रहा है। BAU ने यहाँ पर कृषि निदेशालय झारखंड सरकार के सहयोग से यहाँ पर केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत देश के पहले गिलोय प्रोसेसिंग एवं रिसर्च सेंटर की स्थापना की है। इसका उद्घाटन पिछले दिन यहाँ पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने किया है। इस केंद्र के प्रभारी डॉक्टर कौशल कुमार है, जिनके प्रयासों से पूर्व में एलोवेरा विलेज की स्थापना यहाँ पर सफलतापूर्वक की गई। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष अपने मन की बात कार्यक्रम में भी की थी। कौशल कुमार ने बताया कि गिलोय रिसर्च सेंटर को संचालित करने के लिए BAU ने राज्य के 16 जिलों में एक एक गिलोय ग्राम का यहाँ पर चयन किया है। जिन जिलों में गिलोय ग्राम विकसित किया जा रहा है उनमें रांची के खूंटी, दुमका, देवघर, गोड्डा, यहाँ पर साहिबगंज, धनबाद, गिरिडीह, चतरा, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, बोकारो, हजारीबाग, पलामू और लोहरदगा शामिल है। चयनित जिलों के गांव में यहाँ पर RKVI अधीन यहाँ पर किसानों को 2,00,000 गिलोय के पौधे का निशुल्क यहाँ पर वितरण किया जाएगा। बूटी से रोटी कमाएंगे, ये कहना है कुलपति का। BAU के कुलपति डॉक्टर यहाँ पर ओंकार नाथ सिंह ने बताया है कि हम ऐसे यहाँ पर प्रकल्प की ओर बढ़ रहे हैं जिससे किसान बूटी से रोटी कमाएंगे, यानी कि औषधीय पौधों को विकसित करके उनका यहाँ पर भरण पोषण होगा, क्योंकि औषधि वो उगाएंगे तो उसको बेचकर उनको पैसे मिलेंगे और उससे उनका ये घर चलेगा और प्रदेश को भी यहाँ पर उन्नत करने में योगदान देंगे। उन्होंने कहा है कि हमारी परिकल्पना वनौषधि ग्राम से यहाँ पर वनौषधि प्रदेश के रूप में झारखंड को विकसित करने की है। इसके लिए विभिन्न औषधीय महत्व के पौधे, जड़ी बूटियों जिनमें एलोवेरा, गिलोय, शतावरी, अश्वगंधा, सर्पगंधा और ऐसे ही अन्य औषधीय पौधों की खेती में वनौषधि आधारित वन्य कृषि वानिकी प्रणाली को यहाँ पर समावेशित किया जाएगा। गिलोय केंद्र के प्रभारी डॉक्टर यहाँ पर कौशल कुमार ने बताया कि वनौषधियों की खेती पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसानों को इसकी खेती के लिए यहाँ पर BAU और KVK के माध्यम से उच्च गुणवत्ता का यहाँ पर जर्म प्लाज्म मिलेगा। तो इस तरीके की यहाँ पर बातें भी सामने निकल कर आ रही है। पहले यहाँ पर जो झारखंड में यहाँ पर काफी अलग अलग फसलों की खेती भी की जाती है, जैसे धान जो यहाँ के मुख्य फसल है, तो अब यहाँ पर औषधीय यहाँ पर पौधों की भी खेती की जाएगी, उनकी भी बागवानी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं इससे किसानों को फायदा मिलेगा, जो कि मुझे लगता है कि फायदा होना चाहिए। और अगर इस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे ये चीज वाकई में कारगर साबित हुई तो यहाँ पर बाकी किसान भी इससे प्रभावित होकर इसकी खेती करना शुरू कर देंगे अलग अलग औषधियों की। तो इससे क्या है कि जो औषधि है वो सस्ते हो जाएंगे और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमारा ही यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। जोहार।